असलकम गुड मॉर्निंग आप सबका मेरे चैनल पर वापस से स्वागत है तो गोल्ड थोड़ा सा सॉफ्ट खुला है आज थैंक्स टू डॉलर इंडेक्स जिसने थोड़ा सा आज फाइनली दम दिखाया है वैसे तो डॉलर इंडेक्स ने दम दिखाने की कोशिश की थी पहले बट आज एक अच्छा दम दिखाया है एक सौ तो छः पंद्रह से एक सौ तो छः तीस तक गया था गोल्ड ने एक अच्छा क्रैक दिया है क्रैक ही कहेंगे इसे इनफैक्ट आप देखोगे तो उन्नीस तक चला गया था अभी रिकवरी आई है थोड़ी सी दस डॉलर के आसपास की बट एक अच्छा क्रैकर ओपन हुआ था क्रैकर ओपन होने की वजह यह है कि कोई भी नया डेवलपमेंट जो है वॉर के अंदर नहीं है और अब इस हफ्ते जो है कोर पी इंडेक्स का डेटा है इस हफ़्ते कौन कौन से मेजर डेटा हैं ऑलरेडी मैं अपने वीकली एनालिसिस में कवर कर चुका हूँ वीकली एनालिसिस का वीडियो कल मैंने पोस्ट कर दिया था चैनल पर इस वीडियो को लाइक करने के और पूरा देखने के बाद आप वो वीडियो देख सकते हो लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मैंने दिया है उन्नीस डॉलर के आसपास गोल्ड प्राइसेस चल रहे हैं ये वीक एक क्रूशल वीक रहेगा बिकॉज इस वीक हमारे पास कोर पीसी इंडेक्स के आंकड़े आ जाएंगे कोर पीसी इंडेक्स के आंकड़े वो आंकड़े होते हैं जो यू फेडरल रिजर्व इन्फ्लेशन नापने के लिए करता है वैसे तो इन्फ्लेशन के काफ़ी आंकड़े आते हैं बट जो मेजर आंकड़ा यू फेडरल रिजर्व यूज़ करता है वो कोर पीसी इंडेक्स है तो सबसे मेजर यही इवेंट है इस वीक का इस इवेंट के पहले एक प्रेस कौ, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और मॉनेटरी पॉलिसी आएगी यूरोप की तो उस पर भी ध्यान रखिएगा यूएस के जीडीपी नंबर्स भी हैं जीडीपी नंबर्स पे भी ध्यान रहेगा तो इस वीक थोड़ा सा क्रूशल रहेगा थोड़ा सा एक्शन पैक्ड रहने की संभावना है पूरे वीक तो एक्शन पैक रहने के लिए प्लीज़ ध्यान रखिएगा स्टॉप लॉस लगा के रखिएगा और कोई भी पोजीशन ले रहे हैं तो उसको टारगेट लगाने से पहले स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा अभी फिलहाल उन्नीस डॉलर चल रहा है लास्ट वीक गोल्ड प्राइस ने कोशिश करी दो डॉलर ब्रीच करने की 2000 डॉलर के आसपास अटेम्प्ट किया उन्नीस सौ सत्तानवे अट्ठानवे तक गया बट नहीं अट, अटेम्प्ट उसका कामयाब नहीं हुआ और उसके बाद तकरीबन अगर आप देखोगे तो 30 डॉलर के आसपास की एक उन्नीस सौ बासठ उन्नीस सौ तिरसठ डॉलर का ये जो एक एक वेज है उन्नीस के आसपास के जो लॉस बने दो डॉलर के फेल होने के बाद एक क्रूशल पैटर्न हो सकता है अभी भी जो है करेक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है करेक्शन तो नहीं कहेंगे कंसोलिडेशन कहेंगे कंसोलिडेशन कंप्लीट नहीं हुआ है तो ख्याल रखिएगा अभी भी गोल्ड प्राइसेस प्रॉपरली वीक जोन में नहीं गए हैं उसका भी ख्याल रखिएगा करेक्शन कंसोलिडेशन पूरा नहीं हुआ है बट वीक जोन में भी नहीं गए हैं तो उसका भी ख्याल आप रखिएगा ही तो so, आज का रेजिस्टेंस और आज का सपोर्ट गोल्ड प्राइसेस का क्या है फटाफट देख लेते हैं आज का गोल्ड का सपोर्ट है 1960 डॉलर। 1960 डॉलर विल एक्ट दैट सपोर्ट मार्केट ब्रीज एंड सस्टेन बिलो दैट एक्सपेक्ट 1950 एंड 1940। 1960 के नीचे जाता है तो 1950 और 40 तक जा सकता है रेजिस्टेंस एट 1990 नाइनटी दैट एक्सपेक्ट टू थाउजेंड डॉलर 1990 के ऊपर वापस से 2000 डॉलर की तरफ जा सकता है ट्रेंड हो चुका है फ्लैट नाउ गोल्ड विल एंटर इन वीक जोन बिलो सपोर्ट विल एंटर इन पॉजिटिव जोन अब रेजिस्टेंस टिल देन ट्रेंड विल रिमेन फ्लैट जब तक रेजिस्टेंस या सपोर्ट ब्रीच नहीं होता है तब तक गोल्ड ट्रेंड विल रिमेन फ्लैट अब आ जाते हैं सिल्वर पे सिल्वर में एक अच्छी एक क्रैकर से भी इस मतलब गोल्ड से बड़ा क्रैकर खुला था ये बट अनफॉर्चुनेटली सस्टेन नहीं हुआ और बाईस चौरानवे पचानवे के आसपास से बाउंस पैक आ गया अभी तेईस बीस के आसपास चल रहा है तो आज का रेजिस्टेंस आज का सपोर्ट क्या है लेट्स फाइंड आउट टुडेज सपोर्ट स्टैंड्स आर ट्वेंटी टू नाइनटी बिलो दैट एक्सपेक्ट ट्वेंटी टू सेवेंटी एंड ट्वेंटी टू फिफ्टी बाईस नब्बे के नीचे बाईस सत्तर और बाईस पचास एक्सपेक्ट कर सकते हैं resistance है भाई साहब तेईस पचपन ट्रेंड अगेन फ्लैट नो क्लियर ट्रेंड फॉर गोल्ड एंड सिल्वर टिल मार्केट इज नॉट ब्रीचिंग ईदर रेजिस्टेंस और सपोर्ट गोल्ड सिल्वर का कोई भी फिलहाल क्लियर ट्रेंड नहीं है जब तक या तो सपोर्ट ब्रीच नहीं होता या फिर रेजिस्टेंस ब्रीच नहीं होता है अब आ जाते हैं क्रूड ऑयल पे सतासी बीस के आसपास चल रहा है क्रूड ऑयल ने पिछले हफ्ते सुमड़ी में निकलने की कोशिश करी मिडिल मिडिल ईस्ट वॉर के चक्कर में उसको लगा के मार्केट ऊपर आ जाएगा बट इट कुड नॉट सस्टेन ऑन हायर लेवल्स डिस्पाइट वॉर इन मिडिल ईस्ट

वैसे इसका वीकली ट्रेंड मैंने वीकली वीडियो में दे दिया है यू कैन चेक वीकली वीडियो फॉर वीकली ट्रेंड लिंक इन डिस्क्रिप्शन आज का रेजिस्टेंस है 88 एट डॉलर सपोर्ट एट एट्टी सिक्स डॉलर ट्रेंड इज वीक यस यू हार्ड इट राइट ट्रेंड हैव चेंज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव ऑन इंटरडे चार्ट वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरडे ट्रेंड पोजिशनल ट्रेंड कैन बी सीन ऑन पोजिशनल ट्रेंड कैन बी सीन इन पोजिशनल वीडियो लिंक इन डिस्क्रिप्शन या हम इंटरडे ट्रेंड की बात कर रहे हैं पोजिशनल ट्रेंड आप पोजिशनल वीडियो में देख सकते हो वीकली वीडियो में यूरो पे आते हैं यह है यूरोल्ड ऑन टू द पॉजिटिव जोन आज का रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या है आइए देखते हैं आज का सपोर्ट है 550 का रेजिस्टेंस एट 610 करेंटली इट इज इन पॉजिटिव जोन एंड बेयरली हैंगिंग इन पॉजिटिव जोन बिकॉज डॉलर इंडेक्स इज ट्राइंग टू एंटर इन पॉजिटिव जोन सो इफ डॉलर इंडेक्स एंटर इन पॉजिटिव जोन इट विल बी इन वीक जोन

सपोर्ट अब आ जाते हैं क्रिप्टोस की तरफ सबसे पहले देखेंगे बिटकॉइन बिटकॉइन चल रही है तीस हजार डॉलर दीज आर द लेवल्स आई हैव गिवन इन माई थर्सडे वीडियो आई कुड नॉट पोस्ट वीडियो ऑन फ्राइडे बट एज यू कैन सी ट्वेंटी एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड वॉज द रेजिस्टेंस इट ब्रीच द रेजिस्टेंस एंड नाउ इट हैज हैजू पेंडेसली नाउ रेजिस्टेंस एट थर्टी वन थाउजेंड वन हंड्रेड ट्रेंड है फिलहाल पॉजिटिव तो रखिएगा चल रही है सोलह सो अस्सी डॉलर तो इसका चार्ट भी देख लेते हैं बिकॉज ये भी पॉजिटिव जोन में है सोलह सो अस्सी डॉलर चल रही है लेट्स यस फिफ्टीन ट्वेंटी वॉज रेजिस्टेंस लास्ट वीक आई हैव गि यू इट ब्रीच एंड एंटर इन पॉजिटिव जोन नाव सपोर्ट एटीन एंड टेन रेजिस्टेंस एट सेवेंटीन ट्वेंटी ट्रेंड इज पॉजिटिव फॉर नाव बाकी मार्केट कॉमेंट्री और पेड सिग्नल्स की जानकारी के लिए मेरी टीम का व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है लाइव डेटा और ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट टेलीग्राम और ट्विटर पर देता हूँ दोनों का एड्रेस स्क्रीन पर है लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन अब मिलेंगे कल के नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केयर बाय बाय